राधे राधे दोस्तों दोस्तों मेरे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आप लोग कैसे हैं कमेंट करके मुझे ज़रूर से बताइएगा। दोस्तों अब आ रही है अनंत चौदस। अनंत चतुर्थी, अनंत चौदस एक ही चीज़ है। तो ये इस साल अनंत चतुर्थी 9 सितंबर 2022 को है। इस दिन भक्त व्रत रखते हैं और भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करते हैं। विष्णु पुराण के अनुसार अनंत चतुर्दशी के दिन अनंत सूत्र बांधने से सारी मुसीबतें बाधाएं दूर हो जाती हैं। इस दिन विष्णु जी के व्रत और पूजा की खास मान्यता होती है। अनंत भगवान विष्णु का ही एक नाम है। अनंत चतुर्दशी के दिन विष्णु जी के अनंत रूप की पूजा पाठ होती है और भक्त अपनी बाजू पर अनंत सूत्र बांधते हैं। इसकी खासियत यह है कि इस अनंत सूत्र में 14 गांठें बंधी होती हैं। अनंत चतुर्दशी के दिन विष्णु भगवान की पूजा तो होती है, साथ ही गणेश विसर्जन भी किया जाता है। गणेश विसर्जन की वजह से ही इस दिन का महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो चलिए आज हम अपनी अनंत चतुर्दशी की पूजा में क्या क्या सामान लगता है वो बतलाते हैं, और इसके अनंत चौदस क्यों मनाई जाती है और इसका क्या महत्व है वो बतलाएँगे। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बगल में बेल आइकन उसको ज़रूर से पुश कर दीजिएगा, जिससे आपको मेरी नई नई वीडियो मिलेंगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर से कीजिएगा। चलिए हम आपको सबसे पहले पूजा सामग्री बताते हैं। इस पूजा में एक तो पहले सबसे पहले थाली होनी चाहिए। थाली में ये सारे सामान होने चाहिए। हल्दी है, रोली है, सिंदूर, मौली, कपूर, अगरबत्ती, धूप बत्ती, सुपारी, लौंग, इलायची, रुई की गोल बत्ती, पंचमेवा, 5 तरह के ड्राई फ्रूट्स भी पंचमेवा में होने चाहिए, पंचमेवा नहीं पंचामृत में होने चाहिए। शहद, जनेऊ, गंगाजल, अष्टगंध पाउडर, चंदन, अक्षत चावल, शुद्ध घी, माचिस, दीपक, लाल कपड़ा, पीला कपड़ा, सूखा साबुत, नारियल, केसर, नवैद मतलब मिठाई, अनंत धागा, दोना और पत्तल, ये चीज़ें पूजा में लगती हैं। इनको सब एक थाली में सारा सामान लगा लीजिए। इस पूजा की शुरुआत कब से हुई? सनातन परंपरा में अनंत चतुर्दशी का बेहद पवित्र दिन माना गया है। बता दें कि इस दिन गणपति विसर्जन भी किया जाता है। साल में भगवान विष्णु की पूजा के लिए दो चतुर्दशी और पूर्णिमा और एकादशी का दिन महत्वपूर्ण माना गया है। अनंत चतुर्दशी की कई जगह नरक चौदस या चतुर्थी भी कहा जाता है। इस तिथि पर भगवान विष्णु और श्री कृष्ण के तिथि के तौर पर माना गया है। अनंत चतुर्दशी व्रत की शुरुआत महाभारत काल से हुई थी। अनंत स्वरूप भगवान विष्णु का सबसे विराट रूप माना गया है। भगवान विष्णु का सबसे विराट स्वरूप भगवान अनंत को माना गया है। कहते हैं कि भगवान विष्णु सभी लोगों का रक्षण और भरण पोषण करते हैं। भगवान विष्णु को अनंत रूप के बाद कुछ भी नहीं बचता। अनंत भगवान ने सृष्टि के आरंभ में 14 लोकों तल, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, पाताल, भू, भूहा, स्वाहा, तन, तप, सत, मह की रचना की थी। अब अनंत चौदस की पूजा कैसे की जाती है मैं उसके बारे में आपको बताऊंगी। सूर्योदय से पूर्व स्नान कर व्रत का संकल्प लें और पूजा स्थल को अच्छे से साफ कर लें और गंगा जल से छिड़काव कर लें और एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाएं। वहाँ पर आप अपने भगवान विष्णु जी को 7 फणों वाली शेष रूप अनंत की प्रतिमा स्थापित करें और एक मंडप जरूर बनाएं चौकी के ऊपर। फिर एक धागे को कुमकुम, केसर और हल्दी से रंग कर अनंत सूत्र तैयार करें। इसमें 14 गांठें लगी होनी चाहिए। इसके बाद प्रतिमा के आगे 14 गांठ वाला रेशमी अनंत रख कर उसकी पंचोपचार या षोड़ोपचार पूजन करें।
अब भगवान विष्णु और अनंत सूत्र को 16 विधि से पूजा करें। अनंत चौदश की पूजा के लिए हम लोग पंडित बुलाते हैं, वो मंत्रोच्चार द्वारा पूजा करते हैं। यदि हम पंडित को नहीं बुला रहे हैं तो मैं आपको मंत्र लिखे दे रही हूँ, जब आप पूजन के बाद अनंत सूत्र को बाजू में बांधे तो ये मंत्र जरूर से बोल लें। अनंत सूत्र पुरुष दाएं हाथ में और महिलाएं बाएं हाथ में बांधे। इसके बाद यदि आप पंडित हैं बुलाया है तो ठीक है, नहीं तो किसी एक ब्राह्मण को, गरीब ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए और सपरिवार प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। 14 रूपों में प्रकट हुए थे भगवान। इन लोगों का पालन और रक्षा करने के लिए वे स्वयं भी 14 रूपों में प्रकट हुए थे, जिससे वे अनंत प्रतीत होने लगे। इसलिए अनंत चतुर्दशी का व्रत भगवान विष्णु को प्रसन्न करने और अनंत फल देने वाला माना गया है। कहते हैं कि इस दिन व्रत रखने के साथ साथ यदि कोई व्यक्ति श्री विष्णु सहस नाम स्तोत्र का पाठ करता है तो उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। धन धान्य सुख संपदा और संतान आदि की कामना से यह व्रत किया जाता है। भारत के कई राज्यों में इस व्रत का प्रचलन है। इस दिन भगवान विष्णु की लोक कथाएं सुनी जाती हैं। अनंत चतुर्दशी का महत्व। शास्त्रानुसार कथा है कि प्राचीन काल में कौंडिन्य नामक ब्राह्मण द्वारा अनंत का अनादर करने से उसकी समस्त संपत्ति नष्ट हो गई थी। तब स्वयं अनंत ने एक बूढ़े ब्राह्मण के रूप में आकर कौंडिन्य को अनंत व्रत करने का आदेश दिया था। इस व्रत को करने से सब मनोरथ सफल होते हैं। इस व्रत को श्रद्धालुगण को व्रत धारण करने के बाद 14 वर्ष तक करना अनिवार्य होता है। 14 वर्ष के बाद वे अपनी सामर्थ्य के अनुसार इस व्रत को जारी रखते हैं। ये था अनंत चतुर्दशी का महत्व। दोस्तों, ये थी अनंत चौदश की पूजा सामग्री और पूजा करने की विधि और अनंत चौदश का महत्व। तो ये वीडियो, और इसमें मैंने कथा नहीं कही क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो गई है, तो इसलिए कथा की वीडियो मैं अलग बनाऊंगी, आप उसको देख लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए अगली वीडियो मिलते हैं। राधे राधे।